साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जान हो नरक ही परे। ये पावन पवित्र बचन, ये शब्द सतगुर रविदास महाराज जी का उच्चारण किया हो। जेदे विच सतगुर रविदास महाराज निंदक बारे विचार पेश करते हैं, जिसनों निंदा करन दी आदत पै जाए, निंदा करन दी वादी पै जाए, इहदे विच उस बिरती वाले इंसान का जिक्र किया गया है। आखिर इंसान दूजे की निंदा चुगली करता क्यों है, की कारण है, की रस है? क्योंकि ये कुरैत धार्मिक स्थानां दीआं दीवारां टप के धार्मिक स्थानां दे अंदर घर कर चुकी है। ये जो निंदा की वादी है, जो निंदा का औगुण है, ये गुरु घरां दीआं ताकियां दरवाजे तोड़ के कंधा टप के गुरु घरां दे अंदर प्रवेश कर चुका है, बहुत ज़्यादा डीपली। ते बाणी विच इहदी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, ते अज आपां कुछ समां इस ते ही लगाना है। एकाग्रता बख्शणी, हर एक विचार बड़े ध्यान दे नाल सरबण करनी, क्योंकि जिंदगी विच सतगुरां दी बाणी दी बहुत अहम कम आने वाली गल्लां ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बाणी विच आखदे ने कि औखद सभै कीतीन निंदक का दारू नाही। हर एक रोग दी, हर एक मर्ज दी दवा है, औषधि है, पर निंदक का दारू नाही। जिस इंसान दूजे की निंदा करन दी आदत पै जाए, सतगुर कहिंदे ने कि उहदी कोई दवाई नहीं, उहदा कोई इलाज नहीं, जिहनूं निंदा करन दी आदत पै जाए। ते निंदा है कि एक पहला तो मैं थोड़ी जी इतिहास विचों छोटी जी कहानी सुना के फिर अगे चला। भगत त्रिलोचन जी के जीवन के एक घटना है। उन्हां दी घरवाली आखन लगी कि साईं जी घर दे विच आंदक जांदक बहुत हो गई है, संगतां काफ़ी आउंदियां ने, तुहाडे साधु संत मित्र आए रहिंदे ने, बे कम बहुत पै जांदा है, ते मैं इकली इन्ना कम नहीं कर सकती, बे क्यों ना किसी नूं कम करन लई रख लिया जावे। तां भगत त्रिलोचन जी आखन लगे कि भागवान ने जरूर जे कोई चंगी बिरती वाला, चंगी सोच वाला मिलेगा, नेक सुभाव वाला कोई मिलेगा, तो मैं जरूर कम ते रख लांगा। एक दो दिन बीते तो भगत त्रिलोचन जी कितें जा रहे ने, तो रस्ते विच एक बड़ी ही सादी जी बिरती वाला, बड़े सादे जे वस्त्र ने पर चेहरे च नूर बड़ा है, एक इंसान मिलिया भगत जी नूं। ते उन्हें भगत जी नूं बेनती कीती कि मैनूं कम दी लोड़ है, मैं कम करना चाहुंदा हां। ते भगत जी आखन लगे कि ठीक है, कम तैनूं मिल जाएगा, तू तनखाह किन्नी लेगा, तेरी सैलरी किन्नी है, पैसे किन्ने लेगा कम करन दे? ते वो आखन लगा जी मैनू पैसों की लोड़ नहीं, मैं थोड़ा नाम काफ़ी सुनिया है, थोड़े को साधु संत आते जाते रहते ने, मैनू पैसों की लोड़ नहीं, बस दो वक्त की रोटी दे देना तो मैं कम कर दिया करांगा। हाँ, एक मेरी जरूर शर्त है कि तुसी निंदा चुगली ना करनी। जिथे निंदा चुगली हुंदी होवे उत्थे मैं रहिंदा नहीं। तो भगत त्रिलोचन जी पुछदे ने कि तेरा नाम की है? वो कहिंदा जी मेरा नाम है अंतरजामी। भाव उस अकाल पुरख ने
ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਘਰ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੋ ਦੇਖ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਨਖਾਹ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਬਹੁਤੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਏ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਬੈਠਦਾ ਏ ਤਾਂ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਰਕਤ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਜਿਆ ਖਿਜਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਗਵਾਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਤਸੰਗੀਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਪ ਤਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ
कोई किरती बंदा कोई मजदूर सारा दिन मेहनत की हड तोड़ के मेहनत की शाम उन्होंने मजदूरी मिली मेहनत मिली जेब बिच पा के घर जा रहा है तो रास्ते बिच उसकी जेब कट ली उसके पैसे लुट ले तो समझ लो इस तरह है। ठीक असी जप तप गुरु घर आके सेवा करते हैं सत्संग सरबण करते हैं सत्संग सरबण करके सेवा करके जदों असी निंदा चुगली किसी की करन बह जाने तो समझ लो इस तरह जिस तरह सारी दिहाड़ी कोई मेहनत करता है तो शाम को उसकी कोई जेब लुट लै व्यर्थ चला जाता है सारा कुछ। तो फिर इंसान निंदा करता क्यों है इसके पीछे कारण की है। दरअसल इंसान निंदा अपने आप को दूसरे की निगाह विच महान बनाने लिए करता है। हमेशा इंसान निंदा उसकी करेगा जेड़ा उदे तो किसी ना किसी गुण विच अगे होगा। निंदा हमेशा ही जिस तरह मैं किसी की निंदा करा वो इंसान जिहदी मैं निंदा करता हाँ किसी ना किसी गुण विच मेरे नालों अगे होगा। हुण मेरे विच इन्नी समर्थता तो नहीं कि मैं अपने गुण बधा के उसनों अपने पिछे सुटा इसलिए फिर मैं निंदा करके उन्हें पिछे सुटने की कोशिश करांगा दूजे की निगाह विच। ते बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह भारत का वो अपनी एक नज़्म विच लिखता है कि जब ना थी अपने गुनाहों की खबर देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जिन्ना चिर कहिंदा मैं दूसरियां दे ऐबो गुनाह देखदा सी उन्ना चिर मेरी मेरे गुनाहां ते निगाह नहीं गई पर जदों मैं अपने आप नूं डीपली देखिया थोड़ा जिहा डूंघाई विच देखिया अपने औगुणां नूं देखिया तो हुण जदों दे मैनूं अपने औगुण दिसने शुरू हो गए ने ते हुण मैनूं दुनिया विच कोई औगुणां वाला नहीं लगता। इसलिए सतगुरु आखते हैं कि अपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। हर एक इंसान दूजे बारे बहुत कुछ जानता है पर अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। पति अपनी पत्नी बारे तो बहुत कुछ जानता है उदियां चंगियाइयां उदियां बुरियाइयां पर अपने बारे कुछ नहीं जानता। इस तरह पत्नी भी पति बारे बहुत कुछ जानती है उदियां चंगियाइयां बुरियाइयां पर अपने तो दूर है। हर एक इंसान दूजे बारे जानता है अपने बारे नहीं। यही भगत के संसारी विच अंतर हुंदा है। भगत उही है साधु उही है गुरमुख उही है जिहड़ा अपने आप नूं जानना शुरू कर दिंदा है जां फिर जिहड़ा अपने आप नूं जान लैंदा है। तो संसारी वह है जिहड़ा सिर्फ दूसरे नूं जानदा है अपने बारे कुछ नहीं जानदा। तो संसारी की एक होर निशानी संसारी खुश होवेगा निंदा दूसरे की करके। संसारी दुखी उदों होवेगा जदों निंदा उहदी होवेगी। तो भगत इस तो उल्ट है भगत दुखी हुंदा है जदों संसार उसकी उस्तत करन लग पैंदा है ते भगत खुश हुंदा है जदों संसार उहदी निंदा करदा है। इसलिए कबीर साहब कहिंदे ने निंदो निंदो मोको लोग निंदो निंदा जन को खरी प्यारी निंदा बाप निंदा महतारी। कहिंदे ने कि निंदक तां सतगुर कबीर कहिंदे ने कि जिहड़ा निंदा करन वाला है ना ये तो मैनू माँ बाप वांग है। एक होर संत होए ने वो तो इस तो भी अगे की गल करते ने कहते ने कि बे मैं तो जो निंदक है ना उसनू माँ बाप नालों भी ज़्यादा सत्कार दिंदा। बे क्यों कहते ने कि माँ बाप ने साड़ी मैल साडा मल मूत्र माँ बाप ने तो साडा मल मूत्र साड़ी मैल हत्था ना साफ की सी पर निंदक साड़ी मैल साडा मल मूत्र अपनी जीव नाल साफ करता है। कहते ने इसलिए मैं तो माँ प्यो दे नाल भी एक दर्जा निंदक नू अगे रखदा। वैसे भी मनो चिंतक जो ने उन्हों का यह बख्यान है उन्हों का यह मनना है
कि जो आप किसी की निंदा कर वेंदे हैं तो जेडे अगले दे अंदर औगुण होंगे ने वो थोड़े अंदर प्रवेश करने शुरू कर देंगे ने। यह मनोविज्ञानियों का मनना है। जेडे मन ते वर्क करते ने मन की खोज करते ने। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, ये बिरती उदो बनती है जदों इंसान अपने आप नाल बैठदा है, जदों अपने आप नूं देखदा है। ते सब तो औखी गल सतसंगीओ यही है कि इंसान अपने आप नाल बैठ नहीं सकता। इहदा सब तो वड्डा सबूत पता की है, इंसान कल्ला इंसान नूं किसे कमरे विच छड्ड दिओ, कुछ दिन तां छड्डो, कुछ घंटियां दे लई किते कल्ला बिठाल दिओ, इंसान कल्ला नहीं रह सकता। कोई अखबार देखेगा, अपना फोन अपने हाथ च रखेगा, क्यों? क्योंकि कल्ला बैठ ही नहीं सकता इंसान, अपने नाल बैठ ही नहीं सकता। भगत वो है जिहड़ा बहिंदा ही अपने नाल है, वो दूसरे का संग ही नहीं करता। दूसरे का संग करन दा ये मतलब नहीं कि किसी नूं अपने कोल नहीं बैठन दिंदा, भाव दूसरे के औगण नहीं देखता, वो अपने अंदर नूं देखता है कि मैं की हां। सतगुरां दी बाणी दा फरमान है, उस्तत निंदा दो त्यागै खोज है पद निर्वाणा, जन नानक यह खेल कठन है किन्हों गुरमुख जाना। कहिंदे ने कि इंसान ना तो किसी की उस्तत करे ते ना ही निंदा करे, पर जन नानक यह खेल कठन है। कहिंदे ने कि यह खेड सौखी नहीं कि इंसान निंदिया उस्तत करनी छड्ड दे, यह सौखी खेड नहीं, बड़ी औखी खेड है। यह एक नाल जुड़े तो बिना, अपने आप नूं देखे तो बिना यह खेड इंसान नहीं जित सकता। उस्तत निंदा जिथे सतगुरां ने निंदिया नूं माड़ा आख्या है, तो सतगुर कहिंदे ने कि उस्तत किसी की बिना वजह तो जो उस्तत है उन्हों भी सतगुरां ने माड़ा ही आख्या है, भाव किसी विच कोई किसी गल का औगुण है नहीं, कोई गुण है नहीं, पर असी उसकी खुशामदिद करते हाँ, किसी लोभ दे बस, किसी लालच दे बस, किसी अपनी गरज दे बस असी उस इंसान नूं महान बनाते हैं। तो सतगुर कहते हैं कि यह भी उस्तत जिहड़ी है ये खुशामदिद, यह भी माड़ी है, यह भी निंदिया करन दे बराबर ही है। बे किसी दे थानू मतलब होने के कारण किसी की तुसी बिना वजह तो उस्तत करते फिरो, यह भी निंदिया दे बराबर ही है। इसे सतगुरु कहते हैं कि उस्तत निंदा दो त्याग है, ना ही किसी की उस्तत करनी है ना ही निंदिया करनी है, जो सच है वो दे मुँह ते कहना है, जो सच है वो दे सामने रखना है। निंदिया नूं समझना भी जरूरी है। निंदिया यह है कि गल आपां घटा के बयान करनी, कोई इंसान इतना बुरा है नहीं पर उन्हूं आपां लोकां दे विच भंडदे फिरना, यह निंदिया है। कोई इंसान इन्ना चंगा है नहीं उन्हूं महान बनाउणा, यह उस्तत है। इन्हां दोनों तो सतगुरां ने सानूं रोकिया है। तो यह बिरती उदों ही इंसान दे अंदर टिकेगी जदों इंसान अपने आप नाल बैठेगा, उदों इंसान फिर कह उठेगा कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। कच्चे कोठे नूं जेकर ना लिपिए ओ टेंदियां टेंदियां टह जांदे, चुगल खोर ना चुगलियों बाज आउंदे, गल कहिंदियां कहिंदियां कह जांदे। जिन्हों चुगली करन दी निंदिया कर दी आदत पै जाए वो कदे भी रुक नहीं सकता। जिस तरह किसी संगीतकार ने कोई तर्ज कोई कंपोज तैयार करनी है तो वह लभ लभ के उहदे विच सुरा मिलाउंदा है कि किहदे नाल ये सुंदर बन जाए तर्ज मेरी, इस तरह निंदक भी
जद उन्हें निंदा करनी है तो फिर तरह तरह के मसाले लगा कि मैं किस तरीके निंदा करा कि मेरी एक एक गल अगला सच मान ले। तो फिर कई दफा निंदक कामयाबी हो जाते हैं, पेंदे ने कलेश घर टुटते ने रिश्ते, पेंदियां ने दूरियां। आओ जिहड़ा शब्द आपां शुरू कीता सी सतगुर रविदास महाराज का, उहदी संखेप जी व्याख्या मैं तुहाडे नाल सांझी करदे हां। आपां शब्द सरवण कर रहे सी सतगुरां दा, सतगुर रविदास महाराज जी का। सतगुर कहिंदे ने कि जिहड़ा निंदक है उह कदे वी तर नहीं सकदा, भाव इह संसार रूपी भवजल तो उह पार नहीं हो सकदा। सतगुर फैसला दिंदे ने गुरु रविदास महाराज के जे ओ अठ सठ तीरथ नावै जे ओ द्वा दिस सिला पूजा, कि जेकर इंसान इहदे विच जो सारे हिंदू मत दे कर्म कांड ने उन्हां दा सतगुरां ने जिक्र कीता है, क्योंकि उस समय यह कर्म कांड बहुत मशहूर सन, लोगों ने इन्हां नूं बहुत प्रधानता दित्ती होई सी कि 68 तीर्थां ते इशनान करना, दान पुन करना, यह सब तो उच्चे कर्म ने, इसलिए सतगुरां ने उही गिणे ने। कहिंदे ने कि जे ओ 68 तीर्थ नावै, जेकर वह इंसान 68 तीर्थां दा इशनान भी कर लै, जे ओ द्वा दिस सिला पुजावै, वो 12 जो शिवलिंग ने उन्हां दी पूजा कर लै, जे वह कूप तटा दवावै, जे वह लोगों की भलाई की खातर खूह पटवा दे, क्योंकि उन्हां समयां विच पानी की बड़ी दिक्कत होंदी सी, तलावां दे उत्तों खूहां दे उत्तों लोग पानी पीते सन, बहुत बड़ा यह दान मनिया जाता सी। सतगुर रविदास महाराज आखते हैं कि जे वह कूप तटा दवावै, वह खूह पटवा दे, तलाब बना दे, फिर अंत होएगा कि फैसला देंदे ने करै निंद। इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी जेकर आके वह निंदा कर दिंदा है, करै निंद सब बिरथा जावे, निंदा कर दिंदा है सारा कीता कराया बिरथा चले जाता है। अगे सतगुर आखते हैं कि साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जान हो नरक ही पर। साध की निंदा, साध भाव जिन्हें अपने आप को साध लिया है, जो गुरमुख है, जो भला जाना है, उसनों ही साध कहते हैं। सतगुर आखते ने साध का निंदक कैसे तरै, सर पर जान हो नरक ही परै। उहदे ते सर ते ही समझ लो नरक खड़ा है जिहड़ा निंदा करदा है। अगे सतगुर आखते ने जे ओ ग्रहण करै कुल खेत, अरपे नार सिंगार समेत। ब्राह्मणा दे विच इक ए रीत चलती सी कि कुरुक्षेत्र दे स्थान ते जाके ग्रहण वाले दिन जो ग्रह लगा हुंदा है ग्रहण तक, सतगुर कहिंदे ने कि जे ग्रहण लगा होवे कुरुक्षेत्र वाले स्थान ते जाके कोई अपनी औरत शिंगार के दान करदा है, उस समय यह भी कुरीति चलती सी, लोकी ये भी एक दान समझते सी कि अपनी औरत नूं शिंगार के ब्राह्मणा नूं पंडता नूं दान दे देना। सतगुर कहिंदे ने कि जे ओ ग्रहण करै कुल खेत, अरपे नार सिंगार समेत, सगली सिमरत सर्वनी सुने, करै निंद कवनै नहीं गुणे। सिमरतियां वेद शास्त्र जो मर्जी सुन लै, सतगुर आखते ने जे निंदा कर दिती तां एक भी गुण इहदे अंदर प्रवेश नहीं करेगा, हर एक चीज़ व्यर्थ है। अगे सतगुर रविदास महाराज आखते ने कि जे ओ अनक प्रसाद करावै, भूम दान सोभा मंडप पावै। तरह तरह के पकवान तैयार करके भुखिया नूं छकाउंदा फिरे, एडा वड्डा दानी हो जाए कि अपनी जमीन भूम दान सोभा मंडप पावे, हर एक चीज दान कर दे। अगे सतगुर कहिंदे ने अपना बिगार बिराना सांड, अपना बिगाड़ के दूजियां दा सवारदा फिरे, करै निंद बहुत जोनी हंड। पर इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी आके साधुआं दी चंगे पुरशां दी निंदा कर दिंदा है, कहिंदे ने कि यह जन्म मरण दे गेर विच पिया रहेगा। अगे सतगुरां दा पातशाह दा फरमान है, निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक सोद साध विचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। ऐ संसार दे लोको, तुसी निंदा क्यों करदे हो, क्यों करदे हो निंदा? सतगुर आखदे ने कि मैं ये चंगी तरह विचार कर ली है, ये गल चंगी तरह घोख ली है, सोच ली है, समझ ली है, केड़ी
कि कहो रविदास पापी नरक सधारिया, निंदा करने वाला पापी है ये नरकां दे विच जाएगा, ये जम्मण मरण के चक्कर विच पिया रहेगा जिहड़ा इंसान निंदिया करता है। सो सतगुर रविदास महाराज साढ़े रहबर ने, साडे गुरु ने, साडे इष्ट ने, साडी अगवाई करन वाले ने। सो साडा फर्ज बनता है जे सतगुरां ने सानू अज उपदेश दिता है कि निंदक कदे तर नहीं सकता, जन्म मरण के चक्कर च पिया रहेगा, तो आप कोशिश करिए अज तो ही इस भैड़ी आदत नू थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करिए, थोड़ा थोड़ा काबू करिए। आप देखो बाणी कथा कीर्तन में मन नहीं लगता, कथा कीर्तन मन नहीं लावे इंसान का, कथा कीर्तन च मन नहीं लगता, पर जेकर ढाणी दे विच निंदिया चुगली कर बैठा होवे तां दो तीन तीन घंटे बीत जाते हैं, तो कह के उठता पता ही नहीं लग्या समा कदों बीत गया। क्यों? क्योंकि निंदिया दे विच रस बहुत है, साडे मन का तालमेल उसके नाल बह जाता है पर बाणी दे नाल साडा तालमेल नहीं बहिंदा। इसलिए असी पासे मार के बहिंदे जरूर हाँ, कुछ समा उठ के चले जाते हैं, क्योंकि आनंद नहीं बनता। साडा आनंद झूठ नाल बनता है, बाणी है सच, तो सच का सामना करना, सच दे नाल बहना, ये हर एक दे बस की खेड नहीं होंदी। तो सानू चाहिए भी ये जदों आप गुरु घर के लंगर प्रशादे भी तैयार करते हाँ, जे थले वीर सुनते भी होण, सेवा करने वाली मातावां भैणां सुनदियां भी होण थले, तो उन्होंने भी चाहिए है सतगुरां दी आप कड़ाह प्रशादी देख तैयार करनी है, चाहे प्रशादे तैयार करने ने, तो सानू ये चाहिए कि बाणी का जाप नाल दी नाल होवे। जे नहीं बाणी आउंदी, सतनाम श्री वाहिगुरु का जाप होवे, मूल मंत्र तो सब नूं याद हो सकदा है, उहदा जाप होवे। पर साडी बिरती ये है असी प्रशादे तैयार करदे भी, लंगर तैयार करदे भी, एक दूसरे दे नाल निंदिया चुगली करदे रहिंदे हां। जेकर सतगुरां दी बाणी पढ़ते पढ़ते भोजन तैयार होवे, प्रसाद तैयार होवे, तां देखियो उहदा रस, उहदा आनंद ही होर होवेगा। उह तुहाडे विकारां नूं धोवेगा, तुहाडे मन नूं कुछ टिका वरतेगा, वरतेगा, तुहाडे मन विच कुछ टिका आवेगा। इसलिए ये याद रखो, ये कोशिश करो कि जो सेवा करनी है तां सतगुरां दी बाणी पढ़ते पढ़ते, उहनां दे नाम दा सिमरन करते करते ही गुरु घर विच सेवा करनी चाहीदी है। तो इस निंदिया चुगली दे कोड़ तो बचना चाहिए है। आओ हुण आपां सारे रल के आनंद साहिब जी का जाप करिए, बड़े आनंद दे नाल सारिआं ने आनंद साहिब बाणी का जाप करना है।